आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। मैं इस खबर को स्टार्ट करूं इसके पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। मैं अंतिम सांस तक जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुंदर श्रीनिवास तिवारी जी की 95वीं जन्मदिन 17 सितंबर को मनाएंगे उनके समर्थक, जिन्हें पूरा देश दादा के नाम से जानता था। इन तमाम बातों पर किस तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, कोरोना का काल चल रहा है, भीड़ लगाने के लिए मना है, फिर भी इन बातों पर करने के लिए मेरे साथ उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं। मैं उनसे सबसे बारी बारी में बात करूंगा, लेकिन आप तमाम लोगों से एक ही निवेदन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, कम शब्दों में अपनी बात करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विवेक तिवारी बाबू। उनका जीवन सदैव जनता के लिए ही समर्पित रहा, और वो हैं या नहीं हैं ये तय कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। हम लोगों के बीच में वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, उस काल में भी उनके प्यार करने वाले को रोका नहीं जा सकता। उनको प्यार करने वालों को रोका नहीं जा सकता। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और जानूँगा 17 सितंबर को किस तरीके का कार्यक्रम होगा। उसके पहले दादा से जुड़ी हुई तमाम लोग मौजूद हैं। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, दादा तो जन नेता थे और लोगों के दिलों में बसे हुए थे, हमको भूल नहीं सकते हैं। और पूरे विंध्य क्षेत्र में तो उनका ऐसा लगाव था, इसलिए वो दादा के नाम से सब उनको सम्मान देते थे। आज भले वो भौतिक रूप से शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विचारों के रूप में हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। दादा यादों में हमारे बीच भी हैं, बताएं। संघर्षशील नेता थे, जन नेता थे और गरीबों के हितैषी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के जनार्दन की सेवा में समर्पित कर दिया। जनता की सेवा में समर्पित, बताएं। विंध्य प्रदेश का युवा दादा को हमेशा अपना आदर्श मानता है। उनके जयंती पर युवा यहाँ एकत्रित होंगे और संकल्प लेंगे उनके मार्ग पर चलने का, कि जुल्म और शोषित लोगों की लड़ाई लड़ना और समाज सेवा करने का संकल्प लेंगे। दादा संघर्ष के पर्याय थे, उनके संघर्ष के अनुसार हम सब 17 सितंबर को संकल्प लेंगे कि ये जो इस समय अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता को संघर्ष के माध्यम से दूर करें। 17 सितंबर हम लोग हरदम बनाते रहेंगे। बताएं। दादा आज भी हमारे बीच में सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। चर अचर जड़ चेतन में जैसे परमात्मा व्याप्त है, उसी तरह विंध्य की माटी में रीवा जिले के कणकण में दादा की आज वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से दादा के आदर्शों का पालन हम लोग करते आए हैं और करते हैं। दादा के आदर्शों का पालन करते रहेंगे, जी बताएं। हाँ, दादा हम लोगों के रीवा जिले के नहीं मध्य प्रदेश के नेता थे, जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई, जो गरीबों की लड़ाई लड़ी जमीन हक के लिए, पूरे समाज को एक दिशा देने के लिए उन्होंने अपना जो पूरा बलिदान किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी, जिनका एक नाम पूरे विंध्य में, उनका एक बहुत अच्छी खासियत थी, एक ऐसे नेता थे कि जिनका सीधा संपर्क अपने कार्यकर्ताओं से था। उनकी मजबूती के लिए वो हर संभव प्रयास करते थे, हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहते थे। आज की डेट में एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का या आम जन है, वो दादा की जन्म दिवस मनाने के लिए पूरी ताकत से तैयार है और मनाएगा। देखिए, विंध्य के नायक रहे हैं। जब पूरे भारतवर्ष में जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, वही चुनाव जीतकर श्रीनिवास तिवारी जी आ गए, तो उनके पास बहुत सारा अनुभव था, जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी की जो शक्ति आज, जो आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, सब उन्हीं के बनाए हैं। और आज आप जितने पार्टी अन्य दलों के भी नेता देख रहे हैं, वो भी तिवारी जी के ही राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं। दादा एक आदर्श और विचारधारा है। दादा आदर्श और विचारधारा,
विंध्य में जितने भी बड़े नेता हैं सब ने राजनीति की काका गवा उन्हीं से सीखी। ये तमाम तरीके के बातें निकल कर सामने आई। एक बार हम फिर विवेक तिवारी जी की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं 17 सितंबर किस तरीके से मनाया जाएगा। अरे सही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे ज़िले में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा और हर ब्लॉक स्तर पर काम होंगे और वो काम किस रूप में होंगे ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे सब लोग मिलकर एक एक पेड़ सब जगह दान करेंगे और उस पेड़ में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी सदैव हैं और रहेंगे। एक बड़ी बात जो कि अमूमन किसी के जन्मदिन पर जल्दी लोग नहीं मनाते, दादा आज हमारे बीच नहीं लेकिन फिर भी तमाम कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि इस बार वृक्षारोपण किया जाएगा, दादा की याद में एक एक पेड़ लगाएंगे हम लोग। अब देखना है उन पेड़ों को लगाने की बात तो हो रही है, वो उस पर ये भी मान रहे हैं कि दादा उस पेड़ की तरह हमारे बीच रहेंगे, जैसे वो बड़ा होगा दादा की छाया मिलती रहती थी वैसे मिलती रहेगी। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी बात, काफ़ी अच्छी। इसी बीच हमारे साथ शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा इस दुनिया में नहीं है लेकिन पूरे प्रदेश की जनता, पूरी देश की जनता दादा आज भी उनके दिलों में है और दादा को लोग 17 सितंबर हो रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी दादा को रोज़ हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, दोस्त भाई, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, दादा को रोज़ सुबह प्रणाम करते हैं, उनको मतलब याद करते हैं। हम अपनी दुकान में कोई भी जाके देखा है रोज़ अगरबत्ती लगाता हूँ दादा को, दादा को याद करते हैं, दादा हमारे बीच हैं हमेशा रहेंगे। ये समर्थकों का उत्साह ये बता रहा है 17 सितंबर इस बार कोरोना काल के बीच में आ रहा लेकिन उसी तरीके से मनाया जाएगा, उसी ताकत से मनाया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे जिस तरीके से हमेशा मनाते चले आए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।